गंगा जी की जो मेन धारा है वहाँ के भी दर्शन करेंगे। प्रकट के पास ये घाट है और एक तरफ पहाड़ भी नजर आएंगे। ये कितना अच्छा लग रहा है, व्यू देखिए इस घाट पर। यहाँ पर एक मंदिर है भोले बाबा का, देखिए जल कितना आ रहा है इन दिनों। ये मेन धारा है गंगा जी की, जल की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो इस घाट में सावधानी से स्नान करें, बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं। मेडिटेशन करना चाहते हैं इन घाटों की तरफ आ सकते हैं। बड़े आकार का शिवलिंग भी देखने को मिलता है, ये संत महात्माओं को रहने के लिए बना हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि हाईवे से जुड़ा हुआ ये घाट है, जलाभिषेक भी कर सकते हैं। हर की पैड़ी के सभी घाटों पर आपको ले चलूंगा, क्या आप आराम से स्नान कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 7 सितंबर का दिन है और मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार के जो गंगा जी की मेन धारा है, गीता कुटीर घाट के बिल्कुल गेट पर हूं। और अभी हम आपको गंगा जी की मेन धारा के दर्शन कराएंगे। कई ऐसे घाट हैं जिनकी वीडियो हमने नहीं बनाई है, तो आज उन सभी घाटों पर ले जाकर आपको दर्शन कराएंगे और उसके बाद हम पहुँचेंगे हर की पैड़ी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी, क्योंकि गंगा जी की जो मेन धारा है वहाँ के भी दर्शन करेंगे और उसके साथ साथ हर की पैड़ी के भी दर्शन करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं, पहले गीता कुटीर घाट दिखाते हैं और पास में कई और मेन घाट हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि नेचर है। प्रकृति के पास ये घाट हैं और एक तरफ पहाड़ भी नज़र आएंगे, खूब सारे हरे भरे पेड़ हैं और वहीं से गंगा जी की मेन धारा निकल रही है। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं, ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर लगातार हम दर्शन भी कराते हैं और यात्रा की सभी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए ये गीता कुटीर घाट है, तो जल्दी से एंट्री करते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, व्यू देखिए इस घाट पर। और शहर से थोड़ा सा बाहर होने की वजह से यहाँ पर शांत रहता है माहौल। वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग शेयर करेंगे। और मेन धारा में जा रहे हैं, तो इन दिनों गंगा जी की जो मेन धारा है वहाँ पर जल इतना ज़्यादा आ रहा है, पहले हम जल दिखाएंगे। और अक्सर जब बरसात के दिन में ज़्यादा बारिश होती है पहाड़ों में, तो ये घाट कई बार डूब भी जाता है। तो आज हम ये भी जानेंगे कि क्या पोजीशन है, जल कितना आ रहा है। ये देखिए ये है गीता कुटीर घाट, यहाँ पर एक मंदिर है भोले बाबा का। देखिए जल कितना आ रहा है इन दिनों, ये ऑलमोस्ट ये घाट पूरा ही डूबा हुआ है। जो पैड़ियाँ हैं जहाँ पर रेलिंग लगी है वो सारा एरिया पूरी तरह ढका हुआ है, कुछ रेत से दब गया है, क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा आती है। तो देखिए दूर तक इस तरफ रेत ही रेत नज़र आ रही होगी आपको, कितनी ज़्यादा रेत है। और जल देखिए पूरा भर के ये धारा चल रही है। जब मई जून के महीने में आए ना यहाँ पर, तो कई धाराएं दिखती हैं, लेकिन अभी जो है जल इतना ज़्यादा हो जाता है कि सारी धाराएं एक हो जाती हैं। और मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है और बारिश फिर से धीरे धीरे करके शुरू हो रही है, रिमझिम बारिश गिरने लगी है। थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, देखिए रेत कितनी ज़्यादा आती है। देखिए रेत कितनी ज़्यादा इकट्ठा है। ये पूरा घाट जहाँ पर पूरा यहाँ पर फर्श, अच्छी खासी फर्श बनी हुई है, पूरी फर्श जो है रेत से दब गई है। अब ये रेत हटाने में कितना समय लगेगा कोई आइडिया नहीं है। उस तरफ देखिए रेत भी लोग फावड़े से हटा भी रहे हैं। गंगा जी के दर्शन करें, ये मेन धारा है गंगा जी की, सच में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए पहाड़ों के व्यू भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए ये पहाड़ हैं, हालांकि धुंध छाई हुई है, बादल हैं, इस वजह से सही से पहाड़ नज़र नहीं आ रहे हैं। बारिश धीरे धीरे करके तेज़ होने लगी है। अब हम आपको दूसरे घाट पर ले चलेंगे, पास में कुछ और घाट हैं जो कि बहुत ही अच्छे घाट हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि आज ये वीडियो बड़ी भी होगी और कई मुख्य घाटों के दर्शन करने के बाद हम हर की पैड़ी की ओर पहुंचेंगे। शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। दोस्तों अब मैं हरिद्वार के धर्म गंगा घाट पर पहुंच चुका हूं और यहां से भी आप सभी को गंगा मैया के दर्शन कराएंगे। और यहां पर जल का बहाव देखिए कितना तेज़ रहता है,
बहुत ही तेज जल की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। और ये वाला जो घाट है ना, सच में बहुत ही अच्छा घाट है, सुंदर घाट है। देखिए मेरे बैक साइड में पूरा घाट आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और यहाँ भी माँ गंगे की आरती होती है, तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और आरती में भाग लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आइए आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और इस घाट की सही से जानकारी आपको देते हैं। और जब ज़्यादा बारिश होती है ना, लास्ट ईयर तो मालूम है आपको, ये जो जल है यहाँ पर, ये जल यहाँ पर आ गया था, ये पूरा घाट जो है गंगा जल में डूब गया था। लेकिन अभी जो है नॉर्मल जल आ रहा है, काफ़ी नीचे जल हो चुका है। तो इस समय हम कह सकते हैं कि जल बढ़ा तो है, मानसून में बढ़ता है, लेकिन अभी जो है इतना ज़्यादा मेन धारा में भी जल नहीं आ रहा है। कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि जब मेन धारा के ये हाल है तो फिर तो हर की पैड़ी का जल यहीं से जाता है। एक बात और बताना चाहेंगे, इस घाट में अगर आप लोग आते हैं तो इस घाट में स्नान करने के लिए जो सेफ्टी के लिए रेलिंग लगी रहती है, वो देखिए रेलिंग कहीं भी आपको नहीं नज़र आ रही है। ये जल कम भी हो जाएगा और भी कम हो जाएगा तो भी यहाँ पर रेलिंग नहीं दिखेगी। तो इस घाट में सावधानी से स्नान करें। पहली बात तो कोशिश करें, अगर इस घाट में स्नान करना है तो बिल्कुल सीढ़ी के जो पहली जो जगह है वहाँ पर स्नान कर लें, क्योंकि अक्सर मैंने यहाँ पर देखा है बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएँ हो चुकी हैं। तो प्लीज़ इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इन घाटों में गहराई इतनी ज़्यादा है ना कि कोई आइडिया नहीं लगता कि कितना एक कदम के बाद कितनी ज़्यादा गहराई बढ़ जाएगी। आइए आपको लहरों को दिखाते हैं। आपके लिए स्नान करने के लिए तो हर की पैड़ी के ही घाट काफ़ी हद तक सही है। अगर आप नेचर के साथ गंगा जी के किनारे बैठना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तब आप इन घाटों की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि सामने की जो व्यू है ना बहुत ही अच्छे हैं, शांत माहौल रहता है यहाँ पर। और ये देखिए गंगा जी की लहरों को, मेन घाट है ये, गंगा जी का मतलब मेन धारा में बना हुआ ये घाट है। कितनी तेज़ी से जल जो है चंडी घाट की तरफ जा रहा है। यहाँ से चंडी घाट की बात करें तो 3 किलोमीटर के आसपास चंडी घाट आ जाएगा। और ये जो बैराज आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये जो बैराज आपको नज़र आ रहा है सामने की ओर, यहाँ से सही से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से हर की पैड़ी का जल कंट्रोल किया जाता है। सभी लोग जय गंगे माता लिखते जाएं, क्योंकि आप सभी लोग इस समय हरिद्वार से माँ गंगे की जो मेन धारा है वहाँ के दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और जल की आवाज़ कितनी तेज आ रही है, और जल की आवाज़ जब कानों में पड़ती है ना तो सच में बहुत सुकून मिलता है। थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हुई थी लेकिन अभी जो है बारिश रुक गई है। अब मैं एक घाट और दिखाऊंगा, दो घाट और दिखाएंगे, उसके बाद हर की पैड़ी पे ले चलेंगे आपको। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ भूमानंद घाट में, और भूमानंद घाट जो है गंगा जी की मेन धारा में स्थित है, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़े आकार का शिवलिंग भी देखने को मिलता है। ये देखिए ये है शिवलिंग, बहुत ही बड़ा शिवलिंग है ये। और इस घाट में रेत देखिए, इस घाट में भी काफ़ी ज़्यादा रेत जमा है जिसकी वजह से फर्श अभी तक दबी है। और यहाँ पर भी पूजा पाठ अगर आपको करना है, ध्यान लगाना है, तो ये भी घाट बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर पूजन चल भी रहा है। यहाँ देखिए ये संत महात्माओं के रहने के लिए ये ठोकर बनी हुई है। ये देखिए ये संत महात्माओं को रहने के लिए बना हुआ है, छोटा सा ये झोपड़ी टाइप में, और शाम के समय बहुत सारे संत महात्मा यहीं रहते हैं, और इनका सामान देखिए यहीं पर रखा है।
दोस्तों अब मैं हरिद्वार के एक और नए घाट पर पहुंच चुका हूं, स्वामी नारायण घाट। ये घाट जो है मेरे बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर सा घाट है और हाईवे से कनेक्टेड है ये वाला घाट। इस तरफ स्वामी सर्वानंद घाट है और ये है हरिद्वार दिल्ली, हरिद्वार देहरादून हाईवे। इस तरफ जाएंगे तो देहरादून और इस तरफ जाएंगे तो दिल्ली। और हर की पेड़ी से ये वाला जो घाट है डिस्टेंस लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास होगी। जब आप हर की पेड़ी से हाईवे से होते हुए ऋषिकेश की ओर चलेंगे तो 1.5 किलोमीटर लगभग चलेंगे तो ये घाट आ जाएगा। तो इस घाट के भी आपको हम सुंदर नज़ारे दिखाते हैं और बहुत ही सुंदर सा घाट है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, आप इस घाट पर आराम से आकर स्नान कर सकते हैं और पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है। और सबसे अच्छी बात है कि हाईवे से जुड़ा हुआ ये घाट है। तो आइए आपको यहाँ के व्यू दिखाते हैं और यहाँ के दर्शन कराते हैं। जय गंगे माता। ये देखिए, ये है स्वामी नारायण घाट। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं और यही धारा आगे जाकर हर की पैड़ी में पहुँचती है। ये देखिए, एक प्यारा सा मंदिर है स्वामी नारायण घाट पर, तो इस मंदिर के भी आपको हम दर्शन कराते हैं। देखिए कितना सुंदर सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर है, सुंदर सा। आइए इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करते जाएं और कमेंट में जय श्री स्वामी नारायण लिखें। शिवलिंग भी है यहाँ पर, जलाभिषेक भी कर सकते हैं हर। और ये है स्वामीनारायण मंदिर। जय श्री स्वामीनारायण भगवान। कैसा लगा इस घाट को देखकर? आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन घाटों के भी बारे में पता चले। जब ज़्यादा भीड़ हो हर की पैड़ी में तो लोग आसानी से यहाँ पहुँचकर स्नान करें। गंगा जी के किनारे बैठना है तो ये बिल्कुल शांत घाट है। अब थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे हर की पैड़ी, जिसका इंतज़ार आप सभी को बहुत देर से होगा कि कब हर की पैड़ी के दर्शन हो, तो थोड़ी देर और इंतज़ार करें। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हर की पैड़ी, जिसका इंतज़ार आप सभी को काफ़ी देर से था। आप लोग सोच रहे थे कि हर की पैड़ी के दर्शन कब होंगे, तो ये जो देख रहे हैं ये धनुष पुल के नीचे से जो बड़ी धारा है वहाँ के दर्शन कर रहे हैं। और अभी मैं हर की पैड़ी के सभी घाटों पर आपको ले चलूँगा और अच्छे से दर्शन कराऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें, सभी लोग लिखेंगे जय गंगे माता। आज अच्छी बात यह है कि जल में जो रेत की मात्रा है वो काफ़ी कम होने लगी है। आइए आपको ले चलते हैं मुख्य घाट की ओर और वहाँ से अच्छे से दर्शन कराएंगे। सबसे पहले हम आपको नाई घाट के सामने से दर्शन कराते हैं। देखिए दर्शन करें, आज श्रद्धालुओं की संख्या ठीक ठाक नज़र आ रही है। आज सैटरडे है, सैटरडे और संडे तो जो NCR के लोग हैं, खास तौर पर गाज़ियाबाद, दिल्ली में रहने वाले, गुड़गांव, हरियाणा के बहुत सारे जो शहर हैं वहाँ से शनिवार रविवार के दिन बहुत सारे श्रद्धालु हरिद्वार आना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें एक संडे मिल जाता है, एक दिन की छुट्टी और ले लेते हैं। तो आज इसी वजह से संख्या तो थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। मौसम की बात करें तो थोड़ी देर पहले जब मैं गंगा जी की मेन धारा की तरफ था उस समय बादल छाए हुए थे, बारिश भी शुरू हो गई थी, और अब जो है इस तरफ गर्मी है, उमस है और हल्की हल्की धूप भी नज़र आ चुकी है। तो अब मुझे लग रहा है कि मौसम खुल जाएगा और धूप आ जाएगी। मनसा देवी मंदिर आपको दिखाते हैं। देखिए ऊंचे पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, जय माता दी, जय मनसा देवी। अब चलते हैं ब्रह्मकुंड घाट की ओर और घंटाघर घाट की ओर। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। आपका शेयर करना वीडियो को उतना ही जरूरी है जितना कि हमें वीडियो बनाना। एक सुंदर सी कांवड़ हमें नज़र आ रही है और ये वाली जो कांवड़ है ये तांबे के बर्तन की कांवड़ लग रही है।
देखिए पूरे कांवड़ में तांबा ही तांबा है। ये देखिए कितनी प्यारी सी कांवड़ है। कमेंट करके बताइए कि ये कांवड़ अब आ रही है, इसका कोई अलग वो है क्या, मतलब अगर आप लोगों को जानकारी है कि इस समय कांवड़ लाने का कौन लोग लेकर आते हैं। और घंटाघर घाट के दूसरी साइड बड़ी धारा के दर्शन, आइए आपको नाई घाट के दर्शन कराते हैं, सॉरी ब्रह्मकुंड घाट के दर्शन कराते हैं। ये देखिए सामने की तरफ ब्रह्मकुंड घाट है। आज जल की बात करें तो जल नॉर्मल से लोअर साइड में ही है, लोअर साइड में जल देखने को मिल रहा है, ज़्यादा जल नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जल है कि आप आराम से स्नान कर सकते हैं। अब मैं आपको गंगा जल के पास ले चलता हूं और गंगा जल में जो रेत की मात्रा कम हुई है वो आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए रेत आ रही है ये बात सच है, लेकिन पहले से काफी कम हो चुकी है। अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की सबसे जरूरी जानकारी। चार धाम यात्रा के लिए कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो जाएंगे, ऑफलाइन भी चालू हो जाएंगे, ऑनलाइन भी चालू हो जाएंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हरिद्वार में भी कई जगह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, रास्ते में भी कई जगह से रजिस्ट्रेशन होंगे और ऋषिकेश में भी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, तो इसका मतलब यात्रा भी अब चालू हो गई है। अब मैं आ चुका हूँ मालवी घाट पे, मालवी घाट के दर्शन कर लीजिए। मालवी घाट और महिला घाट के मध्य में गंगा जल की धारा के दर्शन आप सभी को अच्छे से कराएंगे। इतनी ज़्यादा धूप नहीं आई है, हल्की हल्की धूप आई थी और अब तो और भी ज़्यादा कम हो गई है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। देखिए जब भी आप हरिद्वार आते हैं ना, सफाई का विशेष ध्यान रखना, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, सफाई रखते हुए आप यहाँ पर स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। और आप घाट को गंदा करेंगे, गंगा जल को गंदा करेंगे, फिर तो आपकी यात्रा व्यर्थ है, आपका पैसा व्यर्थ है, समय जो इतना लगता है, समय बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप हरिद्वार आइए, स्वागत है आपका। हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए तो परफेक्ट समय है, कोई किसी तरह का इशू नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। आप सभी का कोई भी सवाल है हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा से संबंधित, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, मैं आपको वहां पर यात्रा से संबंधित सभी जानकारी दूंगा। थोड़ा समय लग सकता है, कई बार इंतज़ार करना पड़ता है आपको ज़्यादा, तो लेकिन जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% लोगों को जवाब मिलता होगा, शायद कुछ लोग रह जाते होंगे तो वो नाराज़ भी रहते होंगे, लेकिन जानबूझकर ऐसा कभी नहीं होता। कई बार क्या है, मैसेज देखते हैं और उसी समय कोई दूसरा काम करना पड़ जाता है, तो फिर वो मैसेज देखने के बाद वो शायद निकल जाता है, फिर रिप्लाई नहीं हो पाता है। आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, ऐसे ही लगातार हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। उम्मीद करेंगे आज आपको अच्छे से दर्शन हो गए होंगे, आपने बड़ी धारा, मेन धारा, छोटी धारा और कई घाट देखे हैं, यात्रा की कुछ जानकारी भी आपको मिल गई है। शेयर कर दीजिए वीडियो को, आप सभी अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।